शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हरयुग में अनंत फलदायी होगा। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन एक महीने तक कुटिया बनाकर गंगा स्नान और ध्यान करते हैं। और आज का दिन काफ़ी अच्छा माना जाता है। आज मौनी अमावस्या भी है और इस टाइम पे काफ़ी अच्छा, एक तो व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और साथ ही साथ बहुत अच्छा स्नान किया। पिछले टाइम के मुकाबले इस बार भी गंगा पे काफ़ी ध्यान दिया है। जो नाले वगैरह है काफ़ी सारे बंद किए हैं, तो काफ़ी पवित्र हो गए गंगा भी, और वातावरण भी बहुत अच्छा है यहाँ का, तो इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मौनी अमावस्या के मौके पर आज सुबह से ही पवित्र नदियों के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज हो या फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, हर जगह भोर से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने और स्नान के साथ दान पुण्य करने का सिलसिला बना हुआ है। संगम में स्नान के संदर्भ में एक कथा का भी उल्लेख किया जाता है, और वो है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। आज मौनी अमावस्या पर भी संगम और हरिद्वार में स्नान के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर स्नान दान का फल दुगना मिलता है। ये भी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है, इसलिए भक्त संगम और हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण भी जीवन के सभी कष्ट हर लेता है। इस बार मौनी अमावस्या पर महोदय योग बन रहा है। इस योग में स्नान और दान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार में मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए। श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी और अन्य घाटों पर श्रद्धा और आस्था की पावन डुबकी लगाई। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। स्नान और गंगा पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने दान भी किया। हालांकि कोविड के खतरे के बीच जिला प्रशासन ने जांच केंद्र बनाए हैं। हर की पैड़ी और अन्य घाटों पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की कड़ी निगरानी है। बावजूद इसके श्रद्धालु आस्था के स्नान कर रहे हैं, इसलिए ही ध्यान, तप, साधना और आस्था का सबसे बड़ा पर्व है मौनी अमावस्या। आजकल लोग बाल कटवा रहे हैं, इसका कोई महत्व है आज के दिन का? हाँ, क्या ऐसा है, फूल लेके आते हैं ना माँ बाप के। हाँ, फूल लेके आते हैं, घर परिवार में कोई खत्म हो जाता है जो जरूरी होता है, तो इसके कुंभ के कुंभ वाले दिन। हाँ, और वैसे भी कराते हैं यहाँ तो सिंपल आते हैं, खुशी में अपने करा देते गंगा जी घाट पे। तो कुंभ, आज जैसे कुंभ है उस पर ज्यादा माना जाता है। हाँ, ज्यादा मान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द समर न्यूज। वधेरी जानकारी लिए लाइक करो साडे फेसबुक पेज नू, ते सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल नू, ते इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भूलियो।